नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दो दिवसीय प्रवास पर जबलपुर आए महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का डुमना एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद राकेश सिंह ने डुमना एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। महामहिम की सुरक्षा में तैनात आयुध निर्माणी खमरिया की फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मी सहित अन्य सेफ्टी टीम ने महामहिम का सर्किट हाउस में स्वागत किया। फिर स्क्वाड टीम सुरक्षा में राष्ट्रपति मानस भवन गए। फिर वहां से काफिला जबलपुर हाईकोर्ट गया। राष्ट्रपति अपना दोपहर का भोजन सर्किट हाउस में करके 6:45 पर ग्वारी घाट गए। वहां नर्मदा माँ की भव्यता से आरती की, साथ ही फायर विभाग की टीम के साथ 7:30 को हाईकोर्ट आगमन किया। 7:45 पर संस्कृति कार्यक्रम में शिरकत की। फिर 9:30 पर सर्किट हाउस में रुककर रात्रि भोजन कर विश्राम किया। फिर 9:30 पर पुनः सर्किट हाउस में रुककर रात्रि भोजन कर विश्राम किया। 7 मार्च की प्रातः 8:30 पर ब्रेकफास्ट कर 9:30 डुमना के लिए प्रस्थान कर 10:00 दमोह के लिए रवाना होंगे। भारी संख्या में जबलपुर के सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे, जिनमें आयुध निर्माणी खमरिया के फायर कर्मी प्रदीप यादव, अजीत उइके, राहुल खड़ेतिया, संतोष सिंह, सामनो सिंह, मुनेश आदि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।